हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से साइंस किसी भी जगह पर अप्लाई की जा सकती है और साइंस की मदद से आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं। जैसे कि आज एक छोटा सा कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच में है कि कौन इस बोतल को, जिसके अंदर पूरा टॉपनॉच तक पानी भरा हुआ है, कौन इसे सबसे जल्दी खाली कर देगा। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा मोबाइल है, जिसके अंदर हम इसमें टाइमर यानी स्टॉपवॉच जो है इसके अंदर इसका यूज करेंगे और इसकी मदद से हम कंफर्म करेंगे किस बच्चे ने कितनी जल्दी किस तरीके से बोतल को खाली करके बताया है। जब इन सारे बच्चों के अंदर एक फाइनलाइज हो जाएगा, उसके साथ में कॉम्पिटिशन फिर मैं करूंगा और फिर देखते हैं कौन जीतता है, बच्चा पार्टी या सर। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। जब मैं बोलूंगा आपको 1 2 3, तो 3 पे आपको इसे यहाँ पे खाली करना शुरू करना है और 3 पे मैं इस स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ गया, रूल्स पता है, कोई दिक्कत तो नहीं, जज्बा है तुम्हारे अंदर? चलो चलिए 1 2 3 जल्दी जल्दी खाली करो। कैसे कर सकते हो, बस इतनी जल्दी? तेरह सेकेंड में इनका यहां पर हो चुका है, 13 सेकेंड में इन्होंने अपनी इस बोतल को कंप्लीट खाली कर दिया। अब हम दूसरे कॉम्पिटिटर को बुलाते हैं। सारे नियम पता है तुम्हें? पक्का? चालू करूंगा 3 पर 3 बोलते ही तुम्हें इसमें अपनी बोतल को खाली करना शुरू कर देना है। जितना जल्दी तुम खाली करोगे उतना ज्यादा चांस होगा तुम्हारा कॉम्पिटिशन जीतने का। चलिए शुरू करने जा रहे हैं 1 2 3। इन्होंने 13 पल्स में इसको खाली किया है, यानी कि ये पिछले वाले कॉम्पिटिटर से 13 पल्स ज्यादा आगे हैं। उन्होंने फिक्स 13 सेकेंड में किया था, इनका 13 सेकेंड 13 पल्स में हुआ है। अब हम नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को बुलाते हैं। अभी हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिटर हैं, ये कॉम्पीट करने आ रहे हैं, ये टक्कर देने आ रहे हैं इस बोतल को जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए। सारे नियम तुम्हें भी पता होंगे। ठीक है, मैं 1 2 3 करूंगा, 3 पर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। और जल्दी से, जल्दी से, और जल्दी से, और जल्दी से। इन्होंने फिक्स 9 सेकेंड 45 पल्स में इस बोतल को खाली कर दिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को बुलाते हैं, लास्ट कॉम्पिटिटर हैं, जो कि अब इस कॉम्पिटिशन को और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। आपको नियम पता है सभी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3। इन्होंने कंपटीशन को टाइट करने की जगह पर ढीला कर दिया, 11 सेकंड में ही इन्होंने इस बोतल को खाली कर पाया और थोड़ा सा पानी इन्होंने बाहर भी फैला दिया, जो कि फाउल हो जाता। ठीक है, चलिए आपने जो भी किया अब इन सबको टक्कर दे दें, मैं आ रहा हूँ। चलिए देखते हैं, कंपटीशन में मैं आया हूँ इन बच्चों को कॉम्पीट करने के लिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम हमारे हाथ को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, फिर उसके बाद में बोतल को उल्टा कर लेंगे, फिर इस प्रकार से इसके अंदर ऐसे ऐसे इसको हिलाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ऐसा करने के बाद में फिर मैं जब इसे छोड़ूंगा तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा वो आप देखना। चलिए स्टार्ट करना है 1 2 और 3। सेकेंड में, 7 सेकेंड में
तुमने लेट किया था क्या? चलिए मान लीजिए आज या सात मिनिमम जो अभी तक का जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है वो है 8 सेकेंड 19 पल्स और हमारे एक कॉम्पिटिटर थे उनका था 9 सेकेंड और कुछ समथिंग कुछ पल्स था जिन्होंने इस पोर्टल को सबसे कम समय में खाली किया था और मैंने इसे 8 सेकेंड या 7 सेकेंड में से खाली कर दिया है। इसके पीछे का साइंस समझना, जब मैंने इसे इस प्रकार से अपने हाथ पर रखा और इस प्रकार से जब मैंने इसे यहाँ पर रोटेट किया तो जो पानी था वो एक प्रकार से साइक्लोन की वे में रोटेट होने लगा और साइक्लोन की वे में रोटेट होने की वजह से जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो जो बर्फ से जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर साइक्लोन की वे में पानी बाहर निकल रहा है तो यहाँ से एयर एंटर कर रही है और एयर एंटर करने पर ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर कर रही है, प्रेशर लगा रही है जिसके वजह से ये जो पानी है नीचे और ज़्यादा स्पीड में निकल रहा है। यही इसके पीछे एक साइंस ट्रिक थी जो कि इस कॉम्पिटिशन को जीतने में बच्चों के साथ में मुझे विजय बनाया है। परंतु बच्चों में काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, किसी भी कॉम्पिटिशन में आप जाएँ, कोई भी काम आप करें, साइंस का नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप किसी भी काम को और ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, देव कोचिंग क्लासेस में आज ये एक्सपेरिमेंट ये कॉम्पिटिशन ही कराया गया, आपको कैसा लगा अपने अनुभवों को कमेंट द्वारा हमें शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐसे बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो पढ़ने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, जिनके पास में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, ऐसे बच्चों को भी साइंस से वंचित ना रहना पड़े इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें। ठीक है, जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए किसी भी तरीके का कोई कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं या बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, वेब कोचिंग क्लासेस में आप बने रहें। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जब मैं बोलूँ 1 2 3 तो 3 पे कर देना है।